हेलो एवरीवन, वेलकम टू यूपीएससी आईक्यू टैब। नाउ आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ पोटेंशियल टॉपिक दैट माइट कम इन यूपीएससी प्रीलिम्स 2024 एग्जामिनेशन। नाउ आज के इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट एयर पॉल्यूशन। एयर पॉल्यूशन में कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो कि हमारे एयर के थ्रू फैलते हैं, ठीक है, कौन कौन से पॉल्यूटेंट्स हैं जो हमारे एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं एंड उनका ह्यूमन के ऊपर क्या इंपैक्ट होता है, इसको हम डिस्कस करेंगे। नाउ दिस डायरेक्टली कम्स अंडर द टॉपिक ऑफ एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी, ठीक है, एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के टॉपिक के अंदर आता है एंड वहीं पर जो पॉल्यूटेंट्स वाला टॉपिक है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है बिकॉज इन द पास्ट फ्यू इयर्स देयर हैव बीन सेवरल क्वेश्चंस जो कि पॉल्यूटेंट्स के आसपास पूछे गए हैं। जैसे कि इफ यू रिमेंबर तो फ्लाई ऐश का जो क्वेश्चन था दैट वाज आस्क्ड इस पर्टिकुलर टॉपिक से एंड और भी बहुत सारे क्वेश्चंस, अगर आप PYQs को एनालाइज करेंगे तो यू विल गेट टू नो कि ये क्वेश्चंस पूछे गए हैं। सो बेसिकली वी आर गोइंग टू डिस्कस अबाउट अ फ्यू पॉल्यूटेंट्स एंड उनके क्या इंपैक्ट है ह्यूमन हेल्थ के ऊपर, उनको हम आज की वीडियो के अंदर डिस्कस करेंगे। सबसे पहले सल्फर डाइऑक्साइड के बारे में बात करते हैं। सल्फर डाइऑक्साइड देखिए कब रिलीज होता है, तो जो भी फॉसिल फ्यूल्स आप जानते हैं, फॉसिल फ्यूल्स मतलब जैसे कि कोल हो गया, नेचुरल गैस हो गया, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गया, तो ये पर्टिकुलर जो फ्यूल्स हैं ना, फॉसिल फ्यूल्स बोला जाता है, राइट, से ऑयल है, कोल है, नेचुरल गैस है, ये सब चीज़ें, ये सब क्या करते हैं, ये सब हवा के अंदर प्रेजेंट होते हैं, मतलब एयर के अंदर प्रेजेंट होते हैं, यानी कि सल्फर डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है। इन फॉसिल फ्यूल्स को जब आप जलाओगे, कंज्यूम करोगे, तो उनको बर्न करने के बाद जो फ्यूम्स निकलते हैं या फिर जो एयर के अंदर जो धुआं देखते हैं आप, उसके अंदर सल्फर डाइऑक्साइड की जो प्रेजेंस होती है वो बहुत ज़्यादा होती है। नाउ SO2 का, यानी कि जो सल्फर डाइऑक्साइड है उसका एयर के अंदर प्रेजेंट होने का सबसे ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट ये होता है कि जब भी वो H2O के साथ, H2O मतलब वाटर, तो वाटर के साथ सल्फर डाइऑक्साइड किस टाइम रिएक्ट करता है, देखिए हवा के अंदर हमारे मॉइस्चर प्रेजेंट होता है, राइट, सिंपल वर्ड्स में देखो तो वाटर वेपर प्रेजेंट होता है, वाटर वेपर मतलब पानी की बूंदें प्रेजेंट होती है, उसके साथ सल्फर डाइऑक्साइड वो होता है, मतलब मिक्सअप हो जाता है, राइट, मिक्सअप होकर के वो रिएक्ट करता है और रिएक्ट करने के बाद जब भी H2O SO2 के साथ मिलता है तो वो एसिड रेन को फॉर्म करता है, एसिड रेन, ठीक है, और ये एसिड रेन जब अर्थ के ऊपर पड़ता है तो जिस चीज के ऊपर भी पड़ता है ना वो वहां पर उस चीज को कोरोड करना स्टार्ट कर देता है। जैसे कि आप देखते हैं कि ताजमहल जो है, ताजमहल को व्हाइट मार्बल से बनाया गया था, व्हाइट मार्बल, लेकिन उसका जो कलर है वो थोड़ा थोड़ा येलोइश होना स्टार्ट हो गया है, येलोइश, ठीक है, तो ये जो कलर चेंज हो रहा है दैट इज बिकॉज ऑफ दिस एसिड रेन, और एसिड रेन का मेन जो रीजन है दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड, उसका जब भी वाटर के साथ रिएक्शन होगा इट विल स्टार्ट फॉर्मिंग एसिड रेन। इसके अलावा अगर ये पर्टिकुलर जो एसिड रेन है, ठीक है, एसिड रेन हो गया या फिर सल्फर डाइऑक्साइड खुद ही एलिमेंटल फॉर्म में अगर हमारे बॉडी के अंदर जाता है तो हमें रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम्स भी कॉज कर सकता है, मतलब आपको सांस लेने में तकलीफ होनी स्टार्ट हो जाएगी बिकॉज ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड। सो अगर आप ऐसे एरियाज में रहते हैं जैसे कि दिल्ली है, राइट, दिल्ली का जब भी एयर क्वालिटी इंडेक्स अगर आप देखोगे जिस दिन बहुत खराब होता है, तो एयर क्वालिटी इंडेक्स को अगर आप ध्यान से देखिएगा ना तो वहाँ पर SO2 का लेवल चेक कीजिएगा। SO2 का लेवल कितना है, SO2 का लेवल जितना खराब होगा मतलब उसकी प्रेजेंस जितनी ज़्यादा होगी उतनी ही ज़्यादा वहाँ के लोगों को सांस लेने में दिक्कत होती है, ठीक है, उतनी ही ज़्यादा आपको ब्रीदिंग में प्रॉब्लम्स होंगी, स्पेशली ऐसे लोग जो कि एस्मा का शिकार है, मतलब अस्थमा का शिकार है, उनको सल्फर डाइऑक्साइड के साथ के कारण बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती है सांस लेने में। सो आई होप सल्फर डाइऑक्साइड इज क्लियर टू यू। सेकेंड जो यहाँ पर इम्पॉर्टेंट एयर है, जो इम्पॉर्टेंट पॉल्यूटेंट है एयर के अंदर, दैट इज ओजोन। नाउ ओजोन को जब आप एलिमेंटल फॉर्म में देखते हो तो दैट इज सिंबलाइज्ड बाय O3, मतलब ऑक्सीजन के 3 मॉलिक्यूल्स होते हैं, ये कंबाइन करके ओजोन फॉर्म करते हैं। नाउ नॉर्मली ओजोन जो है वो हमारे एटमोसफेयर के स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होता है, स्ट्रेटोस्फेयर हमारा एक लेयर है वहाँ पर प्रेजेंट होता है, ठीक है। नाउ स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर जो ओजोन होता है ना उसे हम गुड ओजोन बोलते हैं, गुड ओजोन, क्यों, क्योंकि ये ओजोन जो है वो ह्यूमंस के लिए बहुत अच्छा होता है, प्लांट्स के लिए, एनिमल्स के लिए बहुत अच्छा होता है, क्यों, क्योंकि ये वाला जो ओजोन है ना ये सन से आती हुई अल्ट्रावायलेट रेज को ब्लॉक करता है, उसको रोकता है और हमारे अर्थ के सरफेस तक पूरी तरीके से पहुंचने नहीं देता है, मतलब कि हमारे अर्थ के ऊपर जब भी सनलाइट आती है तो सनलाइट के अंदर बहुत सारे अलग अलग टाइप के फ्रिक्वेंसी के लाइट्स होते हैं, उसी में एक अल्ट्रावायलेट लाइट होती है। अल्ट्रावायलेट लाइट अगर इंसानों के ऊपर, यानी कि लेट्स से ह्यूमंस के ऊपर, एनिमल्स के ऊपर डायरेक्टली पड़ेंगे तो वो कैंसर कॉज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस चीज से बचने के लिए जो बेसिकली नेचुरल मैकेनिज्म है दैट इज ओजोन लेयर। ओजोन लेयर स्ट्रेटोस्फेयर के अंदर प्रेजेंट है और वो अल्ट्रावायलेट रेज को पूरी तरीके से अर्थ के सर्फेस तक पहुंचने नहीं देता। लेकिन अगर आप ओजोन को देखेंगे तो स्ट्रेटोस्फेयर के अलावा ओजोन जो है वो हमारे ट्रोपोस्फेयर के अंदर भी पाया जाता है। ट्रोपोस्फेयर कहाँ है, जहाँ हम लोग रहते हैं, मतलब एटमॉस्फेयर के सबसे नीचे वाला पार्ट, और जो ट्रोपोस्फेयर है इसका जो लोअर पार्ट है जहाँ पे एक्चुअली ह्यूमंस, प्लांट्स, एनिमल्स रहते हैं जमीन पर, सरफेस पे, यहाँ पर अगर ओजोन पहुँच जाए तो इसे कहा जाता है बैड ओजोन,
ठीक है. सो आई होप यू हैव गॉट द डिफरेंस बिटवीन गुड ओजोन एंड बैड ओजोन. गुड ओजोन स्ट्रेटोस्फीयर के अंदर होता है, बैड ओजोन जो है ट्रोपोस्फीयर के नीचे वाले पार्ट यानी कि सर्फेस ऑफ द अर्थ के पास प्रेजेंट होता है. ठीक है. अब जब भी ओजोन लेयर हमारे सर्फेस ऑफ द अर्थ के पास प्रेजेंट होता है तो वो एक सेकेंडरी पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है. मतलब वो डायरेक्टली प्रॉब्लम कॉज नहीं करता है, बट वो बाकी जो पॉल्यूटेंट्स हैं उनके साथ मिल करके, जैसे नाइट्रोजन ऑक्साइड है तो नाइट्रोजन ऑक्साइड के साथ जब ओजोन फॉर्म होता है तो वो नाइट्रिक एसिड फॉर्म करना स्टार्ट कर देता है. राइट. इस तरीके से जब वो अलग अलग एलिमेंट्स के साथ रिएक्ट करता है तब वो प्रॉब्लम्स कॉज करना स्टार्ट कर देता है. अब देखो, अगर ओजोन की प्रेजेंस हमारे अर्थ के सरफेस के आसपास में ज़्यादा हो जाएगी तो आपको आईज में एक इरिटेशन सा कॉज होना स्टार्ट हो जाएगा, आपकी आंखों में जलन शुरू हो जाएगी. ठीक है. आपके जो रेस्पिरेशन है उसके अंदर प्रॉब्लम स्टार्ट होनी जाएगी. जो लोग अस्थमा से डील कर रहे हैं, अस्थमा का जिनको प्रॉब्लम है उनको काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाएगी अस्थमा की. राइट. सो उम्मीद करता हूँ ओजोन का आपको समझ आ रहा है कि ओजोन भी यहाँ पर बहुत अच्छा नहीं है अगर वो हमारे ट्रॉपोस्फेयर तक यानी कि सरफेस तक पहुँच जाए तो. नेक्स्ट है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. देखिए, जब भी आप व्हीकल्स वगैरह को देखते हैं तो हम कहते हैं कि अगर व्हीकल्स की प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाएगी गाड़ियों की, और गाड़ियों के अंदर से जो धुआं निकलता है अगर उसकी प्रेजेंस बहुत ज़्यादा हो जाए तो हमारा एयर जो है आसपास का वो पॉल्यूट हो जाता है. तो एग्जैक्टली उन व्हीकल से निकलता क्या है, उन व्हीकल से निकलता है नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. ठीक है. देखिए, रोड ट्रांसपोर्ट जो है, फिर बहुत सारी इंडस्ट्रीज, आपने देखते हैं इंडस्ट्रीज के अंदर से धुआं निकल रहा होता है. राइट. वो जो गंदा धुआं होता है उसके अंदर एग्जैक्टली क्या प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड प्रेजेंट होता है. इसके अलावा कोई भी ऐसे सेक्टर्स जो कि एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं, जैसे कि कोल हो गया. राइट. कोल सेक्टर जो है, जब भी आप कोल को जलाएंगे तो जो चीज़ निकलती है दैट इज कॉल्ड एज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड. नाउ नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, जैसा मैंने आपको देखो यहाँ पर ही बताया, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या करता है, ओजोन के साथ कंबाइन फॉर्म करता है नाइट्रिक एसिड फॉर्म करने के लिए. ठीक है. तो यहाँ पर ही प्रॉब्लम कॉज हुई. सो नाइट्रोजन डाइऑक्साइड एलिमेंटल फॉर्मेट में ओजोन के साथ भी डायरेक्टली कंबाइन कर सकता है, जो पर्टिकुलेट मैटर्स होते हैं मतलब जो छोटे छोटे मैटर्स होते हैं उनके साथ भी कंबाइन हो सकता है, और ये खुद भी अपने आप में ही बहुत सारे प्रॉब्लम कॉज कर सकता है. बेसिकली आप जानते हैं कि नाइट्रोजन जो है वो हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर 78% प्रेजेंट है. राइट. 78%. और ऑक्सीजन, देखो नाइट्रोजन हमारे अर्थ के अंदर 78% है, ऑक्सीजन हमारे अर्थ के अंदर 21% है. नाउ दोनों जब तक इंडिविजुअल लेवल पर ऑपरेट कर रहे हैं तब तक ठीक है, मतलब दोनों अपने अपने एलिमेंटल फॉर्मेट में ठीक है, बट जब ये दोनों कंबाइन होते हैं और जब नाइट्रोजन डाइऑक्साइड फॉर्म करते हैं, NO2 फॉर्म करते हैं, तब ये प्रॉब्लम कॉज कर सकते हैं, बिकॉज नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हमारे बॉडी के लिए बिल्कुल सही नहीं है. ह्यूमंस एनिमल्स की बॉडी में अगर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड की प्रेजेंस बढ़ गए तो हमें लंग डिजीज काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज हो सकते हैं. ठीक है. मतलब रेस्पिरेशन का प्रॉब्लम तो होगा ही, साथ में नाइट्रोजन डाइऑक्साइड जो है वो डायरेक्टली जाकर लंग्स को अफेक्ट कर सकता है, रेस्पिरेशन में प्रॉब्लम्स कॉज कर सकता है. नेक्स्ट कम्स कार्बन मोनोऑक्साइड. नो समझिए, लेट्स से कि आपके पास एक लकड़ी का टुकड़ा है. ठीक है. उस लकड़ी के टुकड़े को आपने बर्न किया, जलाया, अगर वो पूरी तरीके से बर्न हो गया तो इट विल रिलीज CO2, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज करेगा. ठीक है. बट अगर वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हुआ, मतलब अगर उसके अंदर अभी भी कोल बचा है यानी कि उसके अंदर अभी भी कार्बन बचा है, तो वो कार्बन मोनोऑक्साइड को रिलीज करेगा. सिंपल वर्ड्स में समझो तो कोई भी ऐसी कंपाउंड जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट था, जैसे कि एक लकड़ी का टुकड़ा जो था उसके अंदर कार्बन प्रेजेंट था कोल के फॉर्मेट में. राइट. तो उस पर्टिकुलर कंपाउंड को जब आप जलाओगे जिसके अंदर कार्बन प्रेजेंट था, और अगर वो कंबशन कंप्लीट नहीं हुई, कंबशन का मतलब होता है उसका बर्निंग, और उसकी अगर बर्निंग कंप्लीट नहीं हुई तो उससे जो रिलीज होता है दैट इज कॉल्ड एज कार्बन मोनोऑक्साइड. इसके अलावा अगर आप व्हीकल को चला रहे हैं और लेट्स से उस व्हीकल के अंदर जो फ्यूल है वो बहुत ही एफिशिएंट नहीं है, फ्यूल के एफिशिएंट ना होने का मतलब क्या होता है, सिंपल वर्ड्स में समझो तो फ्यूल एफिशिएंट नहीं है, इसका मतलब ये है कि वो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है. ठीक है. जब हम कहते हैं ना कि इस पर्टिकुलर पेट्रोल की एफिशिएंसी बहुत कम है, तो उसका मतलब क्या होता है, पेट्रोल जब जलता है तो पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, उसका एनर्जी पूरी तरीके से बर्न नहीं होता है, जिसके कारण, और देखो पूरी तरीके से बर्न नहीं हो रहा है इसका मतलब क्या है, इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है, और इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा है तो वहाँ पर क्या फॉर्म होगा, कार्बन मोनोऑक्साइड फॉर्म होगा. अब जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड की प्रेजेंस हमारे एयर के अंदर इंक्रीज हो जाएगी तो आपको थकान महसूस होगी, फटीग महसूस होगा. इसके अलावा आपका हेडेक बढ़ जाएगा. राइट. कन्फ्यूजन बढ़ जाएगा. राइट. इसके अलावा आपको चक्कर आने स्टार्ट हो सकते हैं, डिजीनेस वगैरह आने स्टार्ट हो जाएगी. सिंपल वर्ड्स में बोले तो कार्बन मोनोऑक्साइड का मेन काम यह है कि वो ऑक्सीजन की डिलीवरी ब्रेन तक होने में रोक देता है. समझिए, लेट्स से आपने बहुत बार देखा होगा कि एक बंद कमरा है. ठीक है. लेट्स से कि एक बंद कमरा है और उसके अंदर मान लेते हैं आप आग जला रखी थी और उसके अंदर कोई पर्सन सोया हुआ था. ठीक है. और बहुत बार आपने न्यूज़ में देखा है कि इस पर्सन की बंद कमरे के अंदर ही मौत हो जाती है, डेथ हो जाती है. उसका रीज़न क्या था, रीज़न ये था बंद कमरा होने के कारण डायरेक्ट एयर की सप्लाई थी नहीं उस कमरे में. राइट. एयर की सप्लाई नहीं थी जिसके कारण फ्रेश ऑक्सीजन जो है वो उस पर्टिकुलर कमरे में आ नहीं पा रहा था, और इस पर्टिकुलर चीज़ के जलने के कारण
जब तक वो पूरी तरीके से जल नहीं रहा था तब तक उसका इनकम्प्लीट कम्बशन हो रहा था, जिसके कारण उसके अंदर कार्बन मोनोक्साइड रिलीज हो रही थी इस पर्टिकुलर रूम में, और लगातार कार्बन मोनोक्साइड रिलीज हो रही थी। ये पर्सन सोया हुआ था, एक पर्टिकुलर टाइम के बाद इस रूम का ऑक्सीजन जो है वो फिनिश हो गया होगा, राइट, और जो कार्बन डाइऑक्साइड है वो इस पर्टिकुलर पर्सन के बॉडी के अंदर गया होगा और उसने ऑक्सीजन का जो यू नो डायरेक्ट पाथवे था ब्रेन तक उसको रोक दिया होगा, जिसके कारण ऑक्सीजन ब्रेन तक नहीं पहुंच पाया और उस पर्सन की डेथ हो गई। सो जब भी एक बंद कमरे में आग जलने के कारण यू नो सांस लेने से किसी की मौत हो जाती है, तो दैट इज मेनली बिकॉज ऑफ कार्बन मोनोऑक्साइड, बिकॉज वो ऑक्सीजन की डिलीवरी जो है ब्रेन तक वो होने नहीं देता है। आई होप दिस इज ऑल्सो क्लियर, कार्बन मोनोऑक्साइड आपको समझ आ गया। लेट्स मूव ऑन टू अमोनिया। अमोनिया क्या है, देखो सिंपल वर्ड्स में समझो, अमोनिया जो है वो अमीनो एसिड से निकलता है, ठीक है, जो प्लांट्स हैं फिर एनिमल्स हैं उन पर्टिकुलर ये जो प्लांट्स हैं एनिमल्स हैं उनके बॉडी में जो अमीनो एसिड्स प्रेजेंट होते हैं उसी से कन्वर्ट होकर अमोनिया फॉर्म होता है, और यही अमोनिया जो है बायोगैस वगैरह बनाने में काम आता है। जैसे आप देखिए एनिमल्स वगैरह को, जो एनिमल्स का जो डंग होता है उस डंग को इस्तेमाल करके बायोगैस रिलीज किया जाता है, उस बायोगैस के अंदर क्या होता है, मीथेन एंड अमोनिया, यही चीज़ें प्रेजेंट होती है, ठीक है। सो अमोनिया भी एक टाइप का बहुत बड़ा एयर पॉल्यूटेंट है, अगर अमोनिया की प्रेजेंस इंक्रीज हो जाए तो आइज़ के अंदर, नोज के अंदर, थ्रोट के अंदर, हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के अंदर बर्निंग स्टार्ट हो जाएगी। इसके अलावा बहुत केसेस में ऐसा भी देखा गया है कि अमोनिया की प्रेजेंस बढ़ने के कारण लोगों को ब्लाइंडनेस भी हो सकती है, ब्लाइंडनेस बिकॉज आइज़ की इरिटेशन इतनी ज़्यादा बढ़ जाती है कि वो हमारे आइज़ के इंटरनल ऑर्गन्स को डैमेज कर सकता है, इसके अलावा लंग्स को डैमेज कर सकता है, राइट। तो इसलिए अमोनिया भी एक एयर पॉल्यूटेंट की तरह काम करता है। देन वी हैव लेड। अब देखो जब भी आप किसी पर्टिकुलर मेटल को देखते हो, ठीक है, और उस मेटल को अगर आप यू नो डिस्पोज करते हो, मतलब उसको आपने यूज कर लिया उसके बाद आपने फेंक दिया, डिस्पोज करने के बाद वो पर्टिकुलर मेटल जब धीरे धीरे यू नो डिकम्पोज होता है, मतलब सड़ना स्टार्ट होता है, तो उसके अंदर से जो चीज़ निकलती है दैट इज लेड, ठीक है। तो उसके अंदर से लेड निकलना स्टार्ट होता है, कोई भी मेटल ले लीजिए, सिल्वर, प्लैटिनम, आयरन, इन सब के अंदर से लेड निकलता है अगर आप इनको डिस्पोज करोगे और वो डिकम्पोज होना स्टार्ट हो जाए तो, ठीक है। तो ये लेड जो है ये गैस भी है, ये ब्लड अगर पानी के अंदर मिल जाए तो ऑब्वियसली तब भी प्रॉब्लम कॉज कर सकता है, तो लेड की प्रेजेंस अगर इंक्रीज हो जाए तो उसके कारण अनीमिया होने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाते हैं, बिकॉज देखो हमारी बॉडी को आयरन की जरूरत होती है, लेकिन आयरन का जो वेस्ट प्रोडक्ट है दैट इज लेड उसकी जरूरत हमारी बॉडी को ज़्यादा नहीं होती है। सो उसके कारण क्या होता है, अनीमिया होने के चांसेस हैं, बॉडी के अंदर वीकनेस बढ़ जाती है, हमारी किडनी, ब्रेन डैमेज, ये सब चीज़ें कॉज कर सकता है अगर लेड का प्रेजेंस हमारे आसपास में बढ़ जाए तो। देन वी हैव पर्टिकुलेट मैटर जिसे हम पीएम पार्टिकल्स कहते हैं। देखो कोई भी ऐसे पार्टिकल जिसका साइज बहुत छोटा है और जो कि हमारे बॉडी के लिए डायरेक्टली हेल्दी नहीं है, सिंपल वर्ड्स में हेल्दी नहीं है, और जो साइज इतना छोटा है कि वो हमारे नोज के अंदर घुस सकता है, हमारे रेस्पिरेटरी जो ट्रैक्स है उसके अंदर घुस सकता है, हमारे फंक्शंस को खराब कर सकता है, उसे पर्टिकुलेट मैटर कहा जाता है। पर्टिकुलेट मैटर का फिर से समझो, साइज छोटा है, हमारी बॉडी के अंदर घुस सकता है और डैमेज कॉज कर सकता है, ठीक है। दो टाइप के पीएम्स होते हैं, पर्टिकुलेट मैटर होते हैं, एक का साइज होता है 2.5 नैनोमीटर, एक साइज होता है 10 नैनोमीटर्स, तो इसको बोला जाता है पीएम 2.5, इसको बोला जाता है पीएम 10, ठीक है। सो जब भी आप 2.5 एंड 10 पीएम देखेंगे तो आप समझ जाइए कि ये उनका साइज बता रहा है। पर्टिकुलेट मैटर का साइज जिसका 2.5 नैनोमीटर है उसको पीएम 2.5 बोलते हैं, और जिसका साइज 10 नैनोमीटर है उसको पीएम 10 बोलते हैं। देखिए पीएम 10 जो है वो बेसिकली इनहेलेबल होते हैं, मतलब हमारी बॉडी के अंदर घुस जाते हैं, ठीक है। जिसका 10 माइक्रोमीटर के आसपास का साइज होता है हमारी बॉडी के अंदर घुस सकते हैं, लंग्स को डैमेज कर सकते हैं, प्रॉब्लम्स कॉज कर सकते हैं। पीएम 2.5 इनसे भी छोटे होते हैं, ऑब्वियसली अगर पीएम 10 घुस सकते हैं तो पीएम 2.5 तो डेफिनेटली हमारी बॉडी के अंदर जा सकते हैं, राइट। हमारी बॉडी के अंदर जाने के बाद वो बेसिकली अलग अलग ऑर्गन्स तक पहुँच सकते हैं, हमारे ऑर्गन तक पहुँच के वो हमारे हार्ट, किडनीज, लंग्स, इन सबको डैमेज कर सकते हैं पर्टिकुलेट मैटर्स, ठीक है। बेसिकली आपने हवा में जहाँ पर भी आप कंस्ट्रक्शन साइट्स देखते हैं, ठीक है, ऐसे रोड्स जहाँ पर जो कच्चे रोड्स है बेसिकली जो पूरी तरीके से पके नहीं है और वहाँ पे धूल उड़ रही है, फील्ड्स, फायर्स, इन सब जगह से पर्टिकुलेट मैटर जो है लगातार रिलीज होता रहता है और वो लोगों की बॉडी के अंदर जाता है, जिसके कारण प्रॉब्लम हो सकती है। क्या इंपैक्ट हो सकता है, ऑब्वियसली हमारे हार्ट को इंपैक्ट कर सकता है, हमारे लंग्स को इंपैक्ट कर सकता है, हमारे यू नो लंग्स को, किडनीज को, लिवर को, यहाँ तक कि इंपैक्ट कर सकता है पर्टिकुलेट मैटर डायरेक्टली या फिर इनडायरेक्टली। सो उम्मीद करता हूँ आपको ये जो चीज़ें हमने डिस्कस की, 7 डिफरेंट एयर पॉल्यूटेंट्स के बारे में हमने बात की और उनके इंपैक्ट क्या क्या हैं, वो सब चीज़ें आपको प्रॉपरली समझ आ गई, ठीक है। देखिए ध्यान रखिएगा, हमारी कंट्री जो है वो AQI निकालती है, एयर क्वालिटी इंडेक्स निकालती है, और AQI के अंदर कौन कौन से गैसेस
या फिर कौन कौन से गैसेस का जो अमाउंट है वो डेली बेसिस पे चेक किया जाता है अगर क्वेश्चन पूछा जाता है, तो ये वही सात डिफरेंट AQI की गैसेस हैं। आई होप यू विल रिमेंबर दीज। पहला है सल्फर डाइऑक्साइड, देन ओजोन, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोक्साइड, अमोनिया, लेड और पर्टिकुलेट मैटर। ये सात डिफरेंट है जिनको हम यू नो एयर क्वालिटी इंडेक्स के अंदर रिलीज करते हैं ऑन डेली बेसिस। बस एक चीज ध्यान रखिएगा, सल्फर ऑक्साइड नहीं है, सल्फर डाइऑक्साइड है, ठीक है। सो इट इज सल्फर के साथ दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है और यहाँ पर नाइट्रोजन के साथ भी दो ऑक्सीजन प्रेजेंट है। यहाँ पर भी नाइट्रोजन ऑक्साइड नहीं है। देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड हमारी बॉडी के लिए हार्मफुल नहीं है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड हार्मफुल है, ठीक है। सो सल्फर डाइऑक्साइड और नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, आई होप ये ध्यान रखिएगा। देन ओजोन के अंदर तीन ऑक्सीजन के यहाँ पर बेसिकली एलिमेंटल फॉर्म में प्रेजेंट है, ठीक है। तीन एलिमेंट प्रेजेंट ऑक्सीजन के ओजोन के अंदर। कार्बन मोनोऑक्साइड के अंदर एक कार्बन प्रेजेंट और एक ऑक्सीजन प्रेजेंट है, ठीक है। फिर अमोनिया है, लेड है और पर्टिकुलेट मैटर्स है, ये साथ ही है। उम्मीद करता हूँ आप इन सबको याद रखेंगे एंड यू विल कीप रिवाइजिंग दीज थिंग बिकॉज दीज कैन बी आस्क्ड इन द UPSC एग्जामिनेशन अगेन एंड अगेन। आई होप यू हैव अंडरस्टूड दिस पर्टिकुलर वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज डू अ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग।